गुड आफ्टरनून क्लास, मायसेल्फ एसके सिंह, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि प्रिज्म से रिलेटेड है और ये क्लास 12th के लिए है। तो फर्स्ट हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। हम लोग पहले इनिशियल सिंपल सिंपल बात समझते हैं, ये लिखने वाली नहीं है, ठीक है, एग्जाम में नहीं आती, बस समझिएगा बेटा। एक प्रिज्म क्या है? प्रिज्म आपको पता है एक ट्रायंगल टाइप का होता है, इसमें सिक्स क्या होता है, इसमें सिक्स साइड्स होती है, लेकिन हम लोग यहाँ केवल 3D देख सकते हैं, तो हमने 3D साइड बनाया, ठीक है ना। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ईच एंगल 60 डिग्री होगा, ईच एंगल 60 डिग्री और ईच साइड इज इक्वल, ठीक है ना। और जब हम लोग प्रिज्म बनाते हैं तो प्रिज्म पे हम लोग जानते हैं, पहले से एक्सपेरिमेंट भी किए हैं कि इसमें हमें इंसिडेंट लाइट रेज इंसिडेंट करनी है। लाइट रेज किस पॉइंट पे इंसिडेंट करेंगे? तो ये AB सरफेस है, AB सरफेस के सरफेस पे किसी पॉइंट पे हम लोग पहले नॉर्मल इंसिडेंट करेंगे। नॉर्मल क्या होगा? इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, वो क्या होता है? नॉर्मल। ये सपोज किया ये नॉर्मल है और सेम साइड से इधर से भी एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। इधर का नॉर्मल ये है। नॉर्मल क्या होता है कि जो फेस है फेस पे 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। जैसे AC फेस है, इस पे यहाँ पे एंगल बना रहा होगा 90 डिग्री, नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट नॉर्मल कितना? N1, N सपोज किया, और सेकेंड नॉर्मल N' सपोज कर लो, ठीक है ना। जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखते हैं कि इस नॉर्मल से इस पे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री जितने भी एंगल का चाहे उतने एंगल का हम लोग एंगल यहाँ पे इंसिडेंट करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग करते क्या बेसिकली है, एक लाइट रेज लेते हैं, लाइट लेते हैं लाइट, और ये लाइट कैसी होनी चाहिए? ये व्हाइट लाइट रेज होनी चाहिए जिसमें 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। जब इस लाइट रेज को इंसिडेंट कहते हैं तो ये लाइट रेज जैसे यहाँ पे इंसिडेंट होगी, इस पॉइंट पे ये लाइट रेज इंसिडेंट होगी। हम लोगों को पता है कि नॉर्मल से जो लाइट रेज है इसे इंसिडेंट लाइट बोले, क्या बोलेंगे? इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है ना। इंसिडेंट लाइट रे, जब इंसिडेंट लाइट रे करेंगे तो जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा? आई होगा। इसको इस रे को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, सिंपल। लेकिन हम लोगों को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जब कोई लाइट रेज रेयर मीडियम से, ये यहाँ पे एयर था और एयर से किसमें जा रहा है? ग्लास मीडियम में जा रहा है। किसमें जा रहा है? ग्लास में। जब कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंसिडेंट होगा, ये रेयर मीडियम था एयर था और ये ग्लास जा रहा था, ये बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटता है। नॉर्मल क्या होता है? दूर हटता है। तो ये इसको ये ऐसे जा रहा था, इसको ऐसे जा रही थी, लेकिन ये नॉर्मल है यहाँ पे, तो नॉर्मल से दूर हटेगा और ये कैसे हो जाएगा? ये ऐसे इंसिडेंट होगा, ठीक है ना। अब जब आपको पता है ये जब ग्लास से बैंड होके बर्फ रियल में जाएगा, अब जैसे सपोज करें ऊपर मीडियम ग्लास मीडियम है और नीचे देखिए ये ग्लास मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है, ये हमने गलत बता दिया आपको। जब ये रियल मीडियम ग्लास मीडियम जाता तो बैंड टूवर्ड द नॉर्मल, किधर बैंड होता है? टूवर्ड द नॉर्मल, मीन समझिएगा, बैंड ये रेयर मीडियम है, ग्लास मीडियम है, जब रेयर मीडियम से और डेंसर मीडियम जाएगा तो टूवर्ड द नॉर्मल होता है, क्या होता है? टूवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, जो नॉर्मल यहाँ पे वो नॉर्मल यहाँ दिखा रहा, तो इसको जाना चाहिए था कैसे, इसको सीधे जाना चाहिए था रेयर मीडियम से, इसको सीधे पास होना चाहिए था, लेकिन किधर की ओर बैंड हुआ? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल पर बैंड हुआ, ऐसे इसको सीधे जाना चाहिए था, और ये नॉर्मल है, इसका नॉर्मल ये है ना, तो ये नॉर्मल की ओर बैंड हो गया, थोड़ा सा किधर बैंड हुआ? नॉर्मल की ओर बैंड हुआ। और जब डेंसर मीडियम से यानी ग्लास मीडियम से रियल मीडियम मींस एयर मीडियम में जाएगा तब क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटेगा। तो देखिए इसको कैसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, जब ऐसे है तो ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है ना। और ये नॉर्मल है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से कहाँ जाएगा? अवे जाएगा, दूर हटेगा, ठीक है ना, नॉर्मल से दूर हटा। तो ये इंसिडेंट एंगल होता है और जब बाहर निकलेगा इसे इमरजेंट एंगल कहेंगे, क्या बोलेंगे? इमरजेंट एंगल, क्या बोलेंगे? इमरजेंट एंगल, क्या बोलेंगे? इमरजेंट एंगल, कौन सा एंगल बोलेंगे? इमरजेंट एंगल। इसीलिए यहाँ पे ई लिखा गया, क्या लिखा गया? ई लिखा गया। आप ध्यान दीजिएगा, इसको बैक बढ़ा देंगे, इसको ऐसे
अच्छा भाई, जो यहाँ पे एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, डेल्टा। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इस पॉइंट क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। और जो ये एंगल होगा, देखिए जैसे ये एंगल था, ये इंसिडेंट एंगल था, रिफ्लेक्टेड एंगल ये आर होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल आर होगा। तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल आई है, ये इंसिडेंट एंगल आई है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है? आर है, आर। और यहाँ पे आई लिया, क्या ले सकते हैं? आर वन। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल ई है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा? आर टू। क्या होगा? आर टू। ये हमें ये चीज समझ में आ गई, ये आई थिंक। तो इससे हम लोग पॉइंट सपोज कर लें, एबीसीडी हो गया पी क्यू आर, और इस पॉइंट को डी पॉइंट सपोज करेंगे। कौन सा पॉइंट सपोज करेंगे? डी पॉइंट सपोज करेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये फिगर बनाए बहुत स्पीड के साथ में, ठीक है, बनाइए। देखिए हमें नेक्स्ट फाइंड करना है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फाइंड करना है फार्मूला फॉर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? और एन इक्वल होता क्या है? एन इक्वल होता है साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। ये हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, साइन आई बाई साइन आर। हमें यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू, आई की वैल्यू फाइंड करनी है, फटाफट कर देना है, तो मेरे इफेक्टिव इंडेक्स फाइंड हो जाएगा। क्या फाइंड होगा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए ध्यान से समझिएगा, इन ट्रायंगल पी डी क्यू, ये हमारा रिवीजन है, तो रिवीजन पे हम कंप्लीटली नहीं लिखवाएंगे आपको। देखिएगा इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी डी क्यू, ध्यान समझिएगा, आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए ये आउटर एंगल कोई ट्रायंगल है, ध्यान समझो, कोई ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में ये आउटर एंगल है कितना है? डेल्टा। कितना है? डेल्टा। ये आउटर एंगल डेल्टा किसमें? पी डी आर में डेल्टा है। डेल्टा किसके इक्वल होगा? डेल्टा इसको छोड़ के अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। डेल्टा किसके इक्वल होगा? डेल्टा इक्वल होगा ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है ना। ये हम लोगों को कोई एंगल पता नहीं है, कौन सा एंगल? डेल्टा इक्वल होगा, डेल्टा इक्वल होगा, यहां पर लिख दे रहे हैं, डेल्टा इक्वल होगा एंगल डी पी क्यू, एंगल डी पी क्यू ये वाला एंगल, प्लस एंगल कौन सा? डी क्यू पी, डी क्यू पी। अब आप सोच बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो ये एंगल आई है, ये एंगल कितना है? आई, आई। ये ऐसे बना ऐसे, ये एंगल आई है इतना, ये इतना एंगल फाइंड करवाएगा, इतना एंगल आर वन है, कितना है? आर वन है ये। तो ये वैल्यू कितनी होगी? इस ये और ये दोनों सम होंगे आपस में, होंगे। मैंने ये सपोज कर लो एक्स, तो आई इक्वल क्या आएगा? एक्स प्लस आर वन, तो एक्स इक्वल क्या आएगा? आई माइनस आर वन, यानी कि एंगल पी कितना होगा? डेल्टा इक्वल आई माइनस आर वन, आई माइनस आर वन प्लस। अब ध्यान दीजिएगा ये क्यू एंगल कितना होगा, ये वाला ये होगा ई माइनस आर टू, कितना होगा? ई माइनस आर टू, ये होगा ई माइनस आर टू। इसी किसी बुक में आई वन आई टू सपोज कर लिया, किसी किसी बुक में, किसी किसी बुक में आई और आई डैश सपोज किया, यहाँ पे आई और ई सपोज किया, ठीक है ना, ई माइनस आर टू। जब आप डेल्टा फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा आई प्लस ई और माइनस आर वन प्लस आर टू। देखो आर वन किसका है? माइनस का। आर टू किसका है? माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का। तो ये हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आई, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इतना आप नोट कर। आप ध्यान दे रहे हैं बच्चा, इधर ध्यान समझेगा, हम लोगों को एंगल जाना है,
इसमें पी डी क्यू आर एंगल पी डी क्यू आर ठीक है ना, तो लिखेंगे ये क्वेश्चन फर्स्ट बड़ी नहीं देंगे हम एंगल पी डी क्यू आर ठीक है ना, एन एंगल ये वाला ले लो बड़ा वाला पी ए क्यू आर इन एंगल ट्रेंगल क्या ट्रेंगल के क्वाड्रिलेटरल है ना ये पी ए क्यू आर पी ए क्यू आर, तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा इसका और इसका सम 180 डिग्री कितना होगा भाई इसका इसका सम कितना डिग्री होगा 180 डिग्री मीन्स एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल 180 डिग्री इक्वेशन नंबर सेकेंड ये क्या ये ई की जगह आर है कितना है ये आर एंगल ये एंगल ए प्लस एंगल आर कितना होगा 180 डिग्री ये ऐसा फिगर बना रहा ये ऐसे फिगर बन रहा है इसका अपोजिट सम कितना होता है 180 इसका अपोजिट सम कितना होता है 180 आप ध्यान दीजिएगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर देखो इसमें आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल आर कैपिटल आर इक्वल 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा तो 180 की जगह पे हम लोग ये पुटअप कर सकते हैं 180 जगह पे हम लोग ये पुटअप कर सकते हैं यहाँ पे हम डेल्टा वाला एक साइड में लिख दे रहे हैं जो क्वेश्चन फर्स्ट था आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू अब इसको हमने रेज कर दिया अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड बाई सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड क्या है ये और थर्ड ये है तो एंगल ए प्लस एंगल आर इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल आर आर से आर को कैंसिल किया आर से आर कैंसिल हुआ क्या बचा ए इक्वल आर वन प्लस आर टू एक्वल आर वन प्लस आर टू ये इक्वेशन हमारे पास आया अब ध्यान दीजिएगा डेल्टा इक्वल हमारे पास आया आई प्लस ई माइनस का ए ये डेल्टा इक्वल आ गया आर वन प्लस आर टू पहले कितनी है ए है आर वन प्लस आर टू वाले कितनी है ए इतना समझ में आया इतना नोट कर लीजिए इसके बाद कहानी इसकी खत्म होती है इतना नोट करने के बाद में बहुत इजी बेस हो गया ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ये ऊपर वाला ये और ये हमारा क्वेश्चन निकला फोर्थ अब इसके बाद बहुत इजी है ये फोर्थ हो चुका फिफ्थ क्वेश्चन डाल ले रहे हैं इसको फिफ्थ क्वेश्चन इसी से यही से एंड हो रहा है क्वेश्चन नोट टू बंद करो वो नंबर आ जाएंगे देखो ध्यान देना जरा फिर एक बार समझो सबसे पहले हम लोगों ने डेल्टा की वैल्यू फाइंड करी थी कैसे फाइंड करी थी इस एंगल को लिया था आउटर एंगल को लिया था आउटर एंगल और इसके एंगल के सम के इक्वल होता है तो ये लिया था आई प्लस ई इक्वल टू माइनस ए ये ऐसे फाइंड हुआ था आई प्लस ई इक्वल टू आर वन प्लस आर टू इतना समझ में आ गया था फर्स्ट इक्वेशन तक ठीक है ना सेकेंड इक्वेशन जब आपने लिया है तो इस एंगल प्लस इस एंगल का सम कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा एंगल ए प्लस एंगल आर कितना होगा 180 डिग्री होगा कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा एंगल ए प्लस एंगल आर इक्वल 180 डिग्री एंगल ए प्लस एंगल आर इक्वल कितनी होगी 180 डिग्री हम लोगों ने पी क्यू आर ट्रायंगल में लिया जब पी क्यू आर ट्रायंगल में लिया आर वन प्लस आर टू प्लस कैपिटल आर इक्वल टू 180 डिग्री लिया तो 180 दोनों इक्वेशन क्या करा दी इक्वल करा दी जब दोनों इक्वेशन इक्वल करा दी तो ए प्लस आर वेक्टर एंगल ए प्लस एंगल आर इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल आर कैंसिल हुआ एंगल ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू आया ये क्या है प्रिज्म एंगल क्या है ये प्रिज्म एंगल और इस ए की वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में पुट अप कर दी तो हमारे पास ये हो गया कितनी बात समझ आ गई अब देखिएगा
हम लोग फाइंड करना है स्नेल्स लॉ, हमारा मेन मकसद है स्नेल्स लॉ को वेरीफाई करना है, और यहाँ पे हमें एन की वैल्यू फाइंड करना है, और एन इक्वल क्या होता है साइन आई बाई साइन आर, और जो एन है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को इसको हम लोग म्यू भी बोलते हैं, तो एन लिखे या म्यू लिखे बात एक ही है, साइन आई बाई क्या लिखे हम लोग साइन आर का सीधा लेंगे। अब आई की एंगल कैसे, आई एंगल कैसे फाइंड करेंगे, आई एंगल जो हम लोग फाइंड करेंगे तो यहां से देखेंगे आई कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। यदि हम लोग आई की बात करें, देखिए समझिएगा ध्यान से, देखिए एंगल आई फाइंड कर लें और एंगल आर फाइंड कर लें, दो चीजें हमें ध्यान देनी है, एंगल आर और एंगल आई। यदि हम ये समझ लें, ये हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है पहले से ही क्या, कि आई और ई दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये हमने बताया था कि आई और ई दोनों इक्वल है, इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल इक्वल है, मीन सब लिख सकते हैं आई प्लस आई, इसकी जगह आई प्लस आई डेल्टा इक्वल आई प्लस आई और माइनस का ए, मीन्स हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू आई माइनस ए, मीन्स हम लोग लिख सकते हैं टू आई इक्वल ए को इधर लेके आए डेल्टा प्लस ए आएगा, तो आई इक्वल कितना आएगा हमारे पास, आई इक्वल होगी डेल्टा प्लस ए और बाई टू, ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई, क्या आई इक्वल डेल्टा प्लस ए बाई टू, ध्यान समझेगा यहाँ पे आई को ई सपोज किया क्योंकि हमने लिखवाया है कि इंसिडेंट एंगल इक्वल इमर्जेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल इक्वल इमर्जेंट एंगल, मीन्स आई की वैल्यू ई के इक्वल होगी, तो आई को ई के इक्वल कर दिया माइनस ए किया, तो आई इंटू आई टू आई माइनस ए टू आई इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, तो आई इक्वल टू डेल्टा प्लस ए बाई टू आया, बस नहीं। अब नेक्स्ट बात समझेंगे इधर, अब हम लोग ये भी पता है जब इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल के इक्वल होगा तो दोनों रिफ्लेक्टिव एंगल मतलब आर वन इक्वल किसके होगा आर टू के, जब आर वन इक्वल आर टू के होगा तो बाई फोर्थ इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट से था बाई फर्स्ट इक्वेशन, बाई फर्स्ट इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन से था, बाई फोर्थ इक्वेशन, जब हम फोर्थ इक्वेशन को लेंगे ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है, जब हम लोग सपोज करेंगे भाई फोर्थ इक्वेशन, देखिए भाई फोर्थ इक्वेशन, जब हम फोर्थ इक्वेशन से समझेंगे तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ये हमारे पास जगह है इतनी कि a इक्वल r प्लस r आएगा, a इक्वल r प्लस r, r वन r इक्वल हो गया तो a इक्वल कितना आएगा 2r, r इक्वल कितना आएगा a बाई टू, कितना आएगा r इक्वल a बाई टू, ये बात सुन भाई r इक्वल a बाई टू, ठीक है ना, तो हमें r की वैल्यू फाइंड हो गई, r की वैल्यू फाइंड हो गई, स्नेल्स लॉ में जो यहाँ पे था वो हम लोग लिख सकते हैं म्यू इक्वल किसके इक्वल म्यू इक्वल साइन, और i की जगह पुट अप करेंगे म्यू इक्वल साइन i, म्यू इक्वल साइन, और जो i था आई की वैल्यू पुट अप करेंगे डेल्टा प्लस ए बाई टू, ठीक है ना, और अपन यहां पे लेंगे साइन ए बाई टू, ये हमारे पास म्यू आया, क्या आया म्यू आया, ठीक है। मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला है, हाँ देखिएगा मिनिमम डेविएशन फॉर्मूला है क्या, कि हम लोगों ने आई कर लिया डेल्टा प्लस ए बाई टू, यहां से फाइंड किया, जब यहाँ पे एक चीज और समझेगा, जो आपने बात करी कि यहाँ पे डेल्टा एम भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको डेल्टा को यहाँ पे डेल्टा था आई प्लस सी माइनस है, ये अगर आपसे कहा जाए कि डिविएशन कितना है, डिविएशन की वैल्यू ये है डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस सी माइनस है, एक कहानी खत्म हुई। आप कह दीजिए मिनिमम डिविएशन के लिए, जब मिनिमम डिविएशन के लिए बोलेंगे तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि e की वैल्यू i के इक्वल है या e की i इक्वल किसके इक्वल है e के, जब मिनिमम डिविजन बात करेंगे i इक्वल e के है तो डेल्टा को हम लोग डेल्टा m सपोज कर लेंगे, क्या सपोज कर लेंगे डेल्टा को डेल्टा m, डेल्टा को सपोज करेंगे डेल्टा m, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा m ऐसे पुट अप कर सकते क्या डेल्टा m, तो इसे क्या बोलेंगे मिनिमम डिविजन एंगल, क्या बोलेंगे मिनिमम डिविजन एंगल, और इसके बाद में
जब हम लोग आर को आर के इक्वल लेंगे, ठीक है ना, जब आर को आर के इक्वल लेंगे तो ये हमने दिखाया कि एज इक्वल आर वन प्लस आर टू, तो आर वन इक्वल आर टू कंसिडर किया तो एज इक्वल टू आर प्लस आर, एज इक्वल टू टू आर, आर की वैल्यू कितनी आई ए बाई टू। तो ये यहाँ पे हम लोग जहाँ पे आई कंसिडर किए हैं साइन आई बाई साइन आर, तो साइन आर की जगह पे पुट अप किए साइन ए बाई टू, कितना पुट अप किए साइन ए बाई टू, बात समझ में। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इससे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल इस प्रकार है, समझ लीजिए हिंदी इंग्लिश उर्दू सभी लैंग्वेज में। कह रहा कि मैक्सिमम डिवीजन एंगल, क्या कह रहा है मैक्सिमम डिवीजन एंगल मतलब मिनिमम, क्या मिनिमम मिनिमम डिवीजन एंगल मतलब न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम डिवीजन एंगल न्यूनतम विचलन कोण कौन होता है डेल्टा होता है, क्या होता है कौन होता है डेल्टा, डेल्टा एम बोला है डेल्टा एम 30 डिग्री, कितनी डिग्री है 30 डिग्री, डेल्टा एम 30 डिग्री। और बोल रहे हैं रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ फर्स्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस, रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ फर्स्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस इज 30 डिग्री, रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ फर्स्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस मीन्स इसकी बात कर रहा है आर वन की, रिफ्लेक्टिव एंगल रिफ्लेक्टिव मतलब क्या जो भी हिंदी में होता है रिफ्लेक्शन का परावर्तन कोण, ठीक है ना, कितना है फर्स्ट सरफेस का 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, तो फर्स्ट सरफेस का 30 डिग्री आर वन इक्वल 30 डिग्री, तो आर टू इक्वल क्या होगा वो भी 30 डिग्री होगा, पढ़ चुके हो अब से इस हटाइए आवाज आ रही है अंदर। इसके बाद में आपको पता है प्रिज्म एंगल कितना होगा 60 डिग्री, एक की वैल्यू 60 डिग्री, एक गिवन है एकल 60 डिग्री, ठीक है ना। अब हमें म्यू की वैल्यू फाइंड करनी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी म्यू की। अब देखो 60 कैसे आ गया, ये एक तो पता है 60 कैसे आता है और दूसरा 60 आया कैसे, आपको पता है एकल होता है आर वाई टू, तो होता है आर वाई टू, तो आर एकल कितना आएगा 2a, कितना आएगा 2a, देखो एकल कितना आएगा एज इक्वल टू आर बाय टू, आर इक्वल कितना आएगा 2a, 2a, क्या गलत आ रहा है सही सर, देखो आर की वैल्यू है a बाय टू, आर की वैल्यू कितनी है a बाय टू, तो एकल कितना आएगा 2r, कितना आएगा 2r, भाई r आधा होता है a से, ठीक है ना, तो r की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, तो a कितना जाएगा 60 डिग्री, ये फाइंड करने की नीड नहीं होती है, ठीक है ना, ये कितनी डिग्री है 60, हमें म्यू फाइंड करना, क्या फाइंड करना म्यू, तो म्यू इक्वल साइन, अच्छा डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ठीक है ना, और ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और वाई टू एंड साइन 60 बाई टू। अब ये नहीं करना है, कुछ लोग क्या करते हैं कि एल से ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल कर दिया, ये एंगल कैंसिल नहीं होता आपस में, ठीक है ना, बस इसमें इतना ही समझना था कि एंगल कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद में इसको हम लोग एक सेकेंड में सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए इधर साइन 90 आएगा, साइन 90 का कितना आएगा साइन 45 आएगा, साइन 45 डिग्री, और साइन 30 आएगा कितना आएगा साइन 30, और सबको पता है कि जो साइन 45 होता है उसकी वैल्यू 1/√2 अपॉन साइन 30 वैल्यू कितनी होती है बोलो 1/2 टू को भेज दो ऊपर, ये आएगा ऐसे मल्टीप्लाई इसका इसके साथ में इसका इसके साथ, इसके साथ। तो म्यू की वैल्यू आएगी म्यू इक्वल 2/√2 और टू को ले सकते हैं √2 × √2, टू को क्या ले सकते हैं √2 × √2 √2 × √2 अपॉन √2 √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू क्या आएगा √2 √2 नोट कर लिया।